नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। आज मोहन सरकार की ओर से बजट पेश कर दिया गया है, जिसे दूरगामी दूरदर्शी बजट बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे झूठ का पुलिंदा बता रहा है। दरअसल जब आज बजट पेश किया जा रहा था तो अमूमन हर वक्त हो हल्ला जैसी स्थिति बनी रही। नरसिंह घोटाला तीसरे दिन भी सदन के अंदर लगातार चर्चाओं में रहा। विपक्षी विधायक बेल में आकर नारेबाजी करते रहे और तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग की इस्तीफे की मांग करते रहे। जाहिर तौर पर यह अपने आप में एक बड़ा मामला बनता जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि मोहन सरकार इस मामला से कैसे निपटती है। नमस्कार।